कर्नाटका के हाईकोर्ट से कुछ दिन पहले एक बहुत ही अहम ऑर्डर आया है मैरिटल रेप के बारे में। आपने शायद से मैरिटल रेप का जो टर्म है आपने इसके बारे में काफी सुना होगा पिछले कुछ हफ्ते में महीने में, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट में एक्चुअली एक बहुत बड़ा केस चल रहा था कि क्या ये गैरकानूनी चीज है, क्या आईपीसी में जो एक्सेप्शन है, जो बलात्कार का जो डेफिनेशन है सेक्शन 375 आईपीसी में, उसमें एक एक्सेप्शन है जो कहता है कि कोई भी सेक्सुअल एक्ट जो है, जो कोई भी यौन संबंध है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है वो रेप नहीं हो सकता। और ये जो डेफिनेशन है, इसका जो एक्सेप्शन है, इसको दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। वहां पे बहुत आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे, आपने शायद से इसके बारे में सुना होगा, क्योंकि कोई भी तरीके से इस चीज को देखे तो एक बहुत बड़ा ही नाइंसाफी लगता है, क्योंकि इंडिया एक ऐसे देश है, कुछ 35 देश है पूरी दुनिया में जहां पे इस टाइप का मैरिटल रेप एक्सेप्शन चलता है, और सब जो देश है उन सब ने इसको बंद कर दिया। इंग्लैंड जिससे हमें ये मिला था, क्योंकि उन्होंने जो इंडियन पीनल कोड है, जो आईपीसी है, वो हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था 1860 में, और वो जो उनके कानून में भी ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन होता था। फिर 1991 में उनके कोर्ट्स ने बोला था कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, और वहां उसको खारिज कर दिया गया था। पर यहां पे इंडिया में ये अभी भी चलता जा रहा है। तो इसके बारे में अभी कुछ केसेस चल रहे केस में कोर्ट्स में, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में है, और अब कर्नाटका हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिससे ऐसे लग सकता है लोगों को कि हाँ शायद से ये एक सोल्यूशन है मैरिटल रेप का, जो नाइंसाफी है उसको एड्रेस करने के लिए। पर प्रॉब्लम ये है एक्चुअली कि ये जजमेंट जो बहुत अच्छा लगता है पेपर पे पढ़ने में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारे अच्छे स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसमें, पर कानून के तौर पे ये एक्चुअली चलता नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। जिस तरीके से जज ने एक्चुअली अपना जजमेंट दिया है वो ऐसे कानून की तरफ से गलत है। पर ऐसे क्यों, तो देखते हैं जज ने क्या, ये केस क्या था, जज ने क्या बोला था, और ये किस तरीके से गलत है। तो शुरू करते हैं वो कि क्या केस था। यहाँ पे एक केस था कि एक पति ने काफी सालों से अपनी पत्नी को के ऊपर बलात्कार और बहुत सारे और चीजें किए थे, उनको एक सेक्स स्लेव की तरह रखा था। और जो पत्नी है उनके कंप्लेंट में उन्होंने ये भी लिखा है कि उनकी बेटी को भी वो सेक्सुअली अब्यूज करते थे, बेटी ने भी लेटर्स लिखे हैं कोर्ट्स के, और उसका भी सेपरेट चार्जेस है पॉक्सो के अंदर हस्बैंड के खिलाफ। पर मेन चीज ये था कि जब ट्रायल कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर रहे थे, जब ट्रायल होता है, जब केस चलता है कोर्ट में क्रिमिनल केस के लिए, तो वहां पे पहले चार्जेस फ्रेम होते हैं, चार्जशीट जब फाइल होता है, चलान फाइल होता है, तो चार्जशीट में जो चार्जेस है उसके बेसिस पे कोर्ट को फ्रेम करना पड़ता है कि क्या यहाँ पे किस चीजें पे इसको ट्रायल पे रखे इस पर्सन को। तो यहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने बोला था कि हाँ चाहे ये पति और पत्नी है, फिर भी हस्बैंड के खिलाफ, इस आदमी के खिलाफ रेप बलात्कार का चार्ज लगना चाहिए आईपीसी के सेक्शन 376 के अंदर। अब आदमी ने जाके फिर हाईकोर्ट में अपील किया, उन्होंने कहा कि देखो, एक तो वो पूरे केस को क्वाश करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, पर उन्होंने बोला कि और चीजें छोड़ भी दो, पर एटलीस्ट उनके खिलाफ रेप का चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखो आपके आईपीसी 375 में एक्सेप्शन है, मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है, तो चाहे और भी चीजें के लिए आप मुझे प्रोसिक्यूट कर लो, पर ये चीज के लिए आप चार्ज नहीं लगा सकते बलात्कार का, क्योंकि जो भी मैंने अपनी पत्नी के साथ किया है वो बलात्कार नहीं हो सकता। अब ये आया था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने पूरा सुन लिया था इन दोनों की तरफ से, फिर उन्होंने बोला कि देखो चाहे ये पति और पत्नी की का रिश्ता है, चाहे यहाँ पे मैरिटल रेप एक्सेप्शन है, पर ये एक्सेप्शन एब्सोल्यूट नहीं है। ये ही नहीं हो सकता कि एक्सेप्शन हर चीज हर सिचुएशन में अप्लाई करे। अगर बहुत ही खतरनाक टाइप के एलिगेशन है, बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने बलात्कार और भी चीजें की अपने पत्नी के खिलाफ, तो फिर वो ये एक्सेप्शन के पीछे छुप नहीं सकते। उन्होंने बोला था कि जो कि आदमी आदमी है, जो आप एक्ट कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, वो तो एक्ट ही है, बलात्कार बलात्कार है, चाहे वो आदमी आपके पति हो या नहीं। अब ये जो यहाँ पे ये जो लॉजिक और रीजनिंग जो कोर्ट ने लगाया, वो अगर हम लॉजिक के तरीके से देखें तो बिल्कुल ठीक है, पर कानून के तौर पे ये नहीं चलता है। तो हमने एक्चुअली जो सीनियर एडवोकेट है रिबेका जॉन है, उन जो दिल्ली हाईकोर्ट में अमाइकस क्यूरे हैं इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की तरह, उनको कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया था कि अच्छा ये मैरिटल रेप एक्सेप्शन के बारे में हमें बताओ ताकि हम अपना डिसीजन बनाए। क्विंट ने उनसे बात किया था, उन्होंने बोला कि देखो जब तक कोर्ट मैरिटल रेप एक्सेप्शन को खारिज ना करे,
या जब तक लेजिस्लेचर जो हमारे पार्लियामेंट में संसद बैठे अगर वो बोले कि नहीं ये गलत है और वो इस एक्सेप्शन को आईपीसी से निकालेंगे, तब तक जज ऐसे नहीं कर सकते, चाहे जितना भी अच्छा लगे ये कानून के तौर से बिल्कुल गलत है। उन्होंने बोला कि देखो जज कह रहे हैं कि ये एक्सेप्शन एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, ये हर चीज हर फैक्ट्स हर सिचुएशन में नहीं अप्लाई कर सकते, पर ये गलत है क्योंकि ये एक्चुअली है एक एब्सोल्यूट एक्सेप्शन। हमारे जो दंडनीय कानून जो है, जो क्रिमिनल लॉ है, उसमें काफी चीजें हैं जो एक्चुअली एब्सोल्यूट एक्सेप्शंस है। अगर कोई 7 साल के नीचे का बच्चा कुछ भी कर ले, चाहे वो किसी पे बंदूक भी चलाए, उसको मर्डर का आप चार्ज नहीं लगा सकते, आप उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने भी नहीं ले सकते हो अगर वो ऐसे चीज करे तो। पर अगर वो बच्चा 7 से 12 के उम्र का है तो फिर आप कर सकते हो, आप देख सकते हो कि क्या उनके मन का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो काफी, उनका मैच्योरिटी इस टाइप का कि उनको पता है कि वो क्या कर रहे थे, तब आप उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने ले सकते हो, बोल सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने एक अपराध किया। पर अगर वो 7 साल के नीचे है तो फिर वो नहीं हो सकता, तो ये एक एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है। तो हमारे दंडनीय कानून जो है उसमें एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है, और मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है वो भी एक ऐसे एब्सोल्यूट एक्सेप्शन है, चाहे जितना भी खतरनाक टाइप का इंसिडेंट हो, जितना भी शॉकिंग इंसिडेंट हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है इस एक्सेप्शन में, उसमें कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन या क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जब तक वो कानून से ना हटाए, जो जज ने इस केस में किया कि उन्होंने बोला हाँ आप चार्जेस फ्रेम कर लो, वो कानून के तरफ से गलत है। अब चाहे हम तो ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट का जो जजमेंट है वो अपील में हमें, हम अभी भी कह सकते हैं कि हाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेंगे इसको, या कर्नाटक हाईकोर्ट का जो डिवीजन बेंच है, जो 2 जजेस बैठेंगे, वो भी बोलेंगे कि ये गलत चीज है। और चाहे वो नहीं करें, अगर अपील ना हो तो फिर और भी जो कोर्ट्स है वो इस ऑर्डर को देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ हम भी ऐसे ही कर लेंगे, क्योंकि ये कानून की तरफ से गलत है। पर शायद से एक अच्छा चीज आ सकता है इससे, क्योंकि अगर और कोर्ट्स ये देखे कि ये जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन है कि इतने भी खतरनाक वाले केस में वो नहीं कर सकते कुछ, तो शायद से उनके सोच में आएगा कि हाँ ये एक्सेप्शन गलत है, ये नहीं रहना चाहिए हमारे कानून कानून के किताबों पर, या आईपीसी में नहीं रहना चाहिए। चाहे तो इससे अब शायद से जो हाई कोर्ट्स है वो देख के बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में, शायद से सुप्रीम कोर्ट भी देख के बोले कि हाँ ये जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन ये बिल्कुल गलत है, इसको हमें कानून से निकाल देना चाहिए। और शायद से तो, पर ये तो डिफिकल्ट होगा, पर शायद से संसद भी ऐसे टाइप के केसेस को देख के उनको भी लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल गलत चीज है, ये सारे जो शादीशुदा महिला है उनके लिए बहुत ही बुरा चीज है, उनके लिए बहुत ही बड़ा नाइंसाफी है, और शायद से वो इसको खारिज कर देंगे।